हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं या सेल करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास प्रोडक्ट की कमी है और आप प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं और जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप कैसे इजिली प्रोडक्ट रिसर्च कर पाएंगे और कैसे इजिली प्रोडक्ट ढूंढ पाएंगे ताकि आप अच्छा सेल कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके एज ए अमेजन और फ्लिपकार्ट सेलर। तो मैं कुछ फ्री टूल्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप आसानी से, बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स जो कि यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये सेल हो रहा है, आप उसको ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं और कहाँ से आप उसको प्रोक्योर कर सकते हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ अंत तक और पूरा प्रोसेस देखें और सीखें कि कैसे आप इसको कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहना बंद कर देंगे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है नए प्रोडक्ट ढूंढने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन चला है कि हमारा कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है, या तो मनी रिलेटेड या अमेजन सेलर कोर्स रिलेटेड या फिर एसईओ से रिलेटेड, जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला आएगा और आप उसके वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप न्यू प्रोडक्ट्स रिसर्च कर पाएंगे और कैसे आप उसको परचेज करेंगे और कैसे उसको सेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट जिसमें आपको साइन अप करना है वो है हीलियम 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप गूगल पे जाएं और सर्च करें हीलियम 10। जो वेबसाइट आएगी हीलियम10.com, उसको आप ओपन करें और उस पर साइन अप कर ले। साइन अप करना बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन अप और फ्री कर सकते हैं और वहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है और आप साइन अप कर लेंगे। फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और साइन अप। साइन अप करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। ये फ्री में आपको 20 सर्चेस देता है, आप 20 सर्च डेली देता है, आप 20 सर्च डेली करें और वहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, ठीक है। और ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, उसको आप यूज़ करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप इंडियन मार्केट के लिए, जी हाँ इंडियन मार्केट के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और लो कॉम्पिटिटिव और यूनिक प्रोडक्ट। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स, ट्रेंडस्टर, मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च एंड रिवर्स एसिन लुकअप, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। उसके अलावा भी और भी ऑप्शन हमारे पास, कीवर्ड प्रोसेसर, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर, कीवर्ड इंडेक्स चेकर, प्रोडक्ट रैंक ट्रैकिंग, कूपन्स, अब्यूज प्रिवेंशन, रिइंबर्समेंट असिस्टेंस, बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स, ओके, अमेजन प्रोडक्ट रिसर्च। हमारा जो मेन टारगेट है वो अमेजन प्रोडक्ट रिसर्च है कि हम कैसे प्रोडक्ट को सर्च करें और कैसे उसको लिस्टिंग करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे और ब्लैक बॉक्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। जब यहाँ ब्लैक बॉक्स को क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो रहा है आप देख रहे हैं। और ये देखिए, आप प्रोडक्ट से सर्च कर सकते हैं, आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर से सर्च कर सकते हैं, नीश से सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट से सर्च करते हैं, तो मैं सब ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप सर्च कर सकते हैं और सर्च का रिजल्ट आने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि इसको मैं टारगेट कर सकता हूं तो उसको फिर आगे कैसे आप सर्च करेंगे, कहां से परचेज करेंगे और क्या उसका अर्निंग पोटेंशियल वो कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट से चलते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज हम सेलेक्ट करते हैं, आपको जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं ज्वेलरी, ठीक है। अब मंथली रेवेन्यू उसमें क्या होना चाहिए, तो चलिए मंथली 5 लाख मैं डाल देता हूँ और मैक्सिमम 8 लाख डाल देता हूँ, ठीक है। और प्राइस मिनिमम 899 to 1599 डाल देता हूँ। रिव्यू काउंट मैक्सिमम 40 हो ताकि कम रिव्यू रहेगा तो हमें टारगेट करने में आसानी होगी। और शिपिंग साइज लार्ज स्टैंडर्ड साइज चलिए मैं डाल देता हूँ और सर्च करता हूँ, ठीक है। ये सर्च किया मैंने और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ चुका है और सबसे पहला है येलो चाइम्स स्वारोस्की एलिमेंट ब्लू क्रिस्टल बैंगल ब्रेसलेट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। 1499 प्राइस है इसका, 588 मंथली सेल्स है, ठीक है, 6 लाख मंथली रेवेन्यू है और रिव्यूज है 666, रिव्यूज बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का जो आप प्रोडक्ट है उसको आप ढूंढ सकते हैं। अब ये देखिए,
सुखी फैसिनेटिंग पर्ल गोल्ड प्लेटेड नेकलेस मंगलसूत्र एंड कड़ा कॉम्बे फॉर वुमेन, 619 ही इसका प्राइस है और 5,50,000 इसका मंथली रेवेन्यू है, 224 इसका रिव्यू है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोडक्ट्स अगर आप ज्वेलरी सेक्शन में डील करते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप देखिए कितने आसानी से यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, क्लैरा 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर वाइट गोल्ड प्लेटेड हार्ट सॉलिटेयर पेंडेंट चेन, 1499 इसका प्राइस है, 400 मंथली सेल्स है और 6 लाख इसका मंथली रेवेन्यू है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं अरिहंत जेम्स एंड ज्वेल्स गणेश लक्ष्मी सिल्वर क्वाइन, 5 लाख का इसका मंथली सेल है और 515 मंथली यूनिट्स इसका सेल हो रहा है और 330 रिव्यूज है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपने जो रेंज दिया था उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपको दिखाया जा रहा है कि 6 लाख रेवेन्यू है इनका और बहुत अच्छा यूनिट सेल हो रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं और इसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अगर आप लेना चाहें तो स्वारस्की जो है वो, ये जो इसमें जेम्स लगा है उसको स्वारस्की कहते हैं, स्वारस्की क्रिस्टल, ठीक है, बैंगल्स ब्रेसलेट। चलिए हम लोग सर्च करते हैं स्वारस्की ब्रेसलेट बैंगल, हम इंडिया मार्ट पे सर्च करेंगे और आप देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट पे बहुत सारा लिस्टिंग इस तरह का आ रहा है, गोल्डन अलॉय, ठीक है, और 94 पर पीस गोल्डन वुमेन, ठीक है, ये सारे बैंगल्स हैं ब्रेसलेट्स हैं। तो आप इंडिया मार्ट पे रिसर्च करें और इंडिया मार्ट पे आप ये देखिए ब्रेसलेट एंड बैंगल्स आस्क फॉर प्राइस बैजनाथ ज्वेलर्स, यहाँ पे फोन नंबर दिया, फोन करके वहाँ पे बात कर सकते हैं, 190 पर पेयर वेन्यू ब्रेसलेट बैंगल, ठीक है, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं और उनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप थ्रू कैटेगरी आप यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं और यहाँ से मैं बैंगल हटा देता हूँ, सिर्फ ब्रेसलेट सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रेसलेट है जो क्रिस्टल यूज हुआ है स्वारस्की उसका 180 पर पीस, ठीक है। उसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत तरह तरह के आपको ब्रेसलेट दिखाई देंगे, ये देखिए छोटे छोटे इसमें क्रिस्टल्स लगे हैं, 999, ठीक है, आप बल्क में लेंगे तो आपको प्राइस कम मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको इंडिया मार्ट पे सर्च करना है, इंडिया मार्ट पे बहुत सारे सेलर्स हैं। आप देखिए यहाँ स्वारस्की एलिमेंट क्रिस्टल राइनस्टोन पेव्ड कफ, ठीक है, ये देखिए आप, तो ये आप इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ फोन नंबर है उनसे बात कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजेलिक ब्रेसलेट, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा इंडिया मार्ट पे जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था सिर्फ एक एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसका हम चलिए देखते हैं कि क्या इसका पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम अमेजन पे जाएंगे, amazon.in, और यहाँ पे मैंने AMZ स्कॉर्ट में सर्च किया, ठीक है, AMZ स्कॉर में आप नीस स्कोर देख सकते हैं, 7 है, सेम चीज़ मैंने सर्च किया था ब्रेसलेट का। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो नीस स्कोर में क्या कह रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये अनसेचुरेटेड नीस है, ठीक है, वेरी लो क्वालिटी लिस्टिंग, आप इसमें हाई क्वालिटी लिस्टिंग करके पूरा इसको टारगेट कर सकते हैं, वेरी फ्यू एमजेड सेलर, यहाँ पे बहुत कम सेलर्स हैं जो ये सेल कर रहे हैं, न्यू नीश है, ठीक है, वेरी लो एवरेज रेटिंग, एवरेज रेटिंग भी बहुत लो है जिसको आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, फ्यू रिव्यूज है, ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हाई मार्जिन, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, प्रॉफिट हाई है, डिमांड लो है, बट धीरे धीरे जब इसको टारगेट करेंगे डिमांड इसका बढ़ेगा, ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो आप देख सकते हैं 1,35,000, ठीक है, मंथली सेल है। ये जीने में गोल्ड प्लेटेड क्यूबिक, ये देखिए इसको मैंने ओपन किया है, हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेट है, ठीक है, जीने में गोल्ड प्लेटेड क्यूबिक जिरकोनिया पेंडेंट चेन रिंग ब्रेसलेट विथ ईयर रिंग पैक ऑफ 4, ये 316 का है। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हैं और इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप पोटेंशियल इसका समझ सकते हैं, AMZ स्कॉट को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका क्रोम एक्सटेंशन और वहां पे इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये भी फ्री में आपको 10 या 12 ट्रायल्स देता है जहां पे आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो इसका पेड वर्जन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें कीवर्ड से हम लोग सर्च करते हैं, ये कीवर्ड का ऑप्शन हमारा ओपन हो गया है, अगर हम मिनिमम वॉल्यूम सर्च करें तो चलिए 1,000 से 4,000 सर्च होना चाहिए उस कीवर्ड पे, मंथली रेवेन्यू छोड़ देते हैं, प्राइस हम डाल देते हैं 399 to 999, ठीक है, रिव्यू काउंट भी कम होना चाहिए
और हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं किचन, क्योंकि किचन भी बहुत एक पावरफुल कैटेगरी है जिसमें कि बहुत अच्छा सेल होता है। आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर्स में ये सारा है। आप यहाँ पे बहुत सारा आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स डाल सकते हैं, वेरिएशन डाल सकते हैं, बट उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको करके सर्च करते हैं, तो ये हमारा सर्च रिजल्ट आ गया। अब आप देख सकते हैं डिनर प्लेट स्टील 34,000 मंथली रेवेन्यू है इसका। पाउफ होम एंड किचन में है पाउफ, ये पाउफ क्या है ये भी हमें नहीं पता है, तो चलिए देखते हैं। इसका प्राइस 877 है, मंथली सेल 31 है। वॉल्यूम सर जो हमने डाला था वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव ना हो, उसको हम इजिली टारगेट कर सकें, इसलिए यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो पाउफ हम चल के देखते हैं कि ये पाउफ है क्या आखिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमेजन पे जाएंगे, amazon.in पे, ये आप देख सकते हैं कि इसको पॉफ कहते हैं, जेनरिक कॉटन नीटेड पॉफ ऑटोमेट फुट स्टूल, ठीक है। फुट स्टूल है जिस पे आप फुट रख सकते हैं या कोई भी छोटा सामान रख सकते हैं, तो इसको हम लोग पॉफ कहते हैं। तो ये आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसको हम लोग चलिए इंडिया मार्ट पे देखते हैं ये पॉफ अवेलेबल है या नहीं है। आप देख सकते हैं पॉफ 340 पर यूनिट, कितने सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेलर हैं, आप इनसे निगोशिएट कर सकते हैं। बहुत सारा आपका ऑप्शन है, बहुत सारा इसमें शेप है, साइजेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल में, राउंड में, बहुत सारा आप देख सकते हैं। 750 पर पीस, 500 पर पीस, और वहाँ पे सेल जो हो रहा है वो कितने में हो रहा है, आप यहाँ पे आए तो ये 877 में हो रहा है। तो आप अगर अच्छे से कांटेक्ट करें, बात करें इंडिया मार्ट में, तो आपको बहुत ही चीप रेट में ये मिल जाएगा, और इसको आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये दूसरा प्रोडक्ट हुआ, और इसका अब हम लोग चलिए देखते हैं क्या मार्केट पोटेंशियल है AMZ पे सर्च करके। ये हमारा अमेजन ओपन हो रहा है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पॉफ। पॉफ तो मैंने आज तक सुना भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था पॉफ होता क्या है। आज मैंने पहली बार देखा और पहली बार सर्च किया है, बट इसका पोटेंशियल मुझे अच्छा दिख रहा है, और ये यूनिक प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं, तो इस तरह आपको एक यूनिक प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको आप अपने अमेजन सेलर सेंट्रल पे टारगेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट में टारगेट कर सकते हैं। तो पॉफ हमने सर्च कर लिया है, और इसका अब हम पोटेंशियल देखेंगे। तो चलिए इसका हम AMZ स्क्वाड से पोटेंशियल देख ले एक बार क्या है। आप देख सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे लोड कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ये आराम से आप इसको टारगेट कर सकते हैं और अपना जो सेलर अकाउंट है उसको इससे अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉफ एक बहुत ही नया नीश है, और बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है इसमें, और इसका नीश स्कोर देख लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं प्रॉफिट हाई है, डिमांड अभी लो है, बट ये जैसे आप टारगेट करेंगे धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ेगा, और हाई मार्जिन है इसमें, अनसेचुरेटेड नीश है, वेरी फ्यू रिव्यूज़ है, वेरी लो क्वालिटी लिस्टिंग है जिसमें आप हाई क्वालिटी लिस्टिंग कर सकते हैं, वेरी फ्यू AMZ सेलर्स है, सेलर्स भी बहुत कम है, वेरी लो टॉप ब्रांड कंपटीशन, बहुत कम टॉप ब्रांड कंपटीशन है, और लो एवरेज रेटिंग, रेटिंग भी बहुत लो है। तो ये आपके लिए ऑप्टिमम प्रोडक्ट है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट आपने बहुत आसानी से ढूंढ लिया जो कि मैंने आपको तरीका बताया उसके थ्रू। अब चलिए तीसरा जो मेथड है उस पर ध्यान देते हैं और चलते हैं फिर वापस। और यहाँ पे है कॉम्पिटिटर्स, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर्स है तो उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कि वो जो सेल कर रहे हैं उनका क्या सेल वॉल्यूम है और कितना वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम्पिटिटर का ASIN डालेंगे और उस प्रोडक्ट का पूरा आपको डिटेल्स दे देगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ASIN डालने का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। तो हम लोग सबसे पहले इसमें होम पेज पे चलते हैं। मान लीजिए आप मास्क कहीं देखना चाहते हैं, तो इस मास्क का क्या है ASIN, यहाँ है, हमें उस पे प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं उसके प्रोडक्ट के पेज पे, मिनी मास्क के लिए चलते हैं। ये अमेजन ब्रांड है, ये एफ गेयर है, 142 का है, एफ गेयर है, 311 रिव्यूज़ है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं, ASIN नंबर हमें नीचे से मिलेगा डिटेल्स में। यहाँ हमारा ASIN नंबर है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है, और सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है,
199 प्राइस है, मंथली सेल्स 1215 यूनिट्स है, ठीक है, 2,50,000, आप समझ रहे हैं इसका खर्च कितना आया होगा बनाने का, और जो इससे अर्निंग हो रही है, अर्निंग पोटेंशियल, तो आप देख सकते हैं कंपटीटर का भी, आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उसको टारगेट कर सकते हैं। ये मास्क आपको इंडिया मार्ट पे या आप लोकल भी बनवा सकते हैं और इसको टारगेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिसर्च में, इस सॉफ्टवेयर में, और ये आपको कितना आसानी से बता रहा है कि क्या आप इसको टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसी तरह, ठीक है, उसी तरह आप नीश में जा सकते हैं और नीश में भी जाके ASIN नंबर डाल के वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कैटेगरीज में, आप जिस तरह वहाँ पे गए थे वहाँ से कैटेगरीज आप यहाँ पे मान लीजिए पेट सप्लाइज का करते हैं, ओके, और कुछ भी नहीं डालते हैं, तो देखें प्राइजेस कैन नॉट बी ब्लैंक। अच्छा, यहाँ पे आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं पेट सिक्योरिटी, ठीक है, ये हमारा फ्रेज हो गया, और इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें आता है। पेट सिक्योरिटी से कुछ भी नहीं है, पेट बेड, चलिए पेट बेड देखते हैं उसमें क्या आता है। आप पेट बेड में देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू कितना है, ये आप देखिए, ठीक है, इसमें बहुत तरह के बेड आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बेड जो आप देख रहे हैं, स्लैटर्स वी रॉयल स्टोर राउंड शेप रिवर्सेबल, 5,50,000, 549 यूनिट्स ये सेल हो रहा है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं, आप इसकी लिस्टिंग अच्छी कर सकते हैं, इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं ताकि आपका सेल जनरेट हो, अच्छा सेल हो, तो इस तरह आप प्रोडक्ट का रिसर्च कर सकते हैं। और चलिए प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ASIN डाल के आप वहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हैं और उस तरह से उसका पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप इस टूल को यूज़ करें, यहाँ से प्रोडक्ट निकालें, फिर आप इंडिया मार्ट पे देखें, इंडिया मार्ट पे आप जा सकते हैं, वहाँ से इस प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं, और AMZ स्कोर पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या पोटेंशियल है, कितना सेल हो रहा है, कितने सेलर्स है और क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया है, समझाया है, आप उससे नया प्रोडक्ट रिसर्च कर पाएंगे और बहुत आसानी से टारगेट कर पाएंगे, और आपके पास नया प्रोडक्ट की कभी कमी नहीं होगी, आप एज अ सेलर हमेशा नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर पाएंगे और उससे अर्निंग कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में ज़रूर शेयर करें, और इस पूरे वीडियो को फॉलो करें, पूरा प्रोसेस देखें और समझें कि कैसे ये वर्क कर रहा है और कैसे आप नए प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है समझने में, कोई परेशानी है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपका हेल्प करेंगे, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और अमेजन सेलर, फ्लिपकार्ट सेलर से हमारा कोर्स कुछ ही दिनों में आने वाला है, जो कि ऑनलाइन कोर्स होगा, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसा नया लेकर, मनी अर्निंग से रिलेटेड लेकर, या फिर अमेजन सेलर या फ्लिपकार्ट सेलर से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर मैं आऊँगा और आपको बताऊँगा और समझाऊँगा पूरा प्रोसेस, ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, बाय बाय।